क्या आप जानते हैं कि हमारे एक साल के अंदर हमारे अंतरिक्ष में क्या बदलाव होता है? क्या आप जानते हैं कि एक साल के अंदर हमारा चांद हमारी धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर हो जाता है और सूरज अपना 1.74 ट्रिलियन मास जलाकर खत्म कर देता है। हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर 150 मिलियन नए सितारे गैस और डस्ट के बादलों के अंदर यानी कि नेबुलास के अंदर पैदा होते हैं, जबकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के 3.5 मिलियन किलोमीटर करीब आ गई, जबकि ये हमारी पूरी यूनिवर्स 60 ट्रिलियन स्क्वायर किलोमीटर फैल गई। हमारी यूनिवर्स में मौजूद सुपर क्लस्टर जो कि गैलेक्सी के काफी बड़े क्लस्टर से मिलकर बनते हैं और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है उसका नाम है लोकल सुपर क्लस्टर, जिसकी शेप कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ पर दिखाई देने वाला हर एक डॉट यानी कि हर एक डॉट एक पूरी गैलेक्सी है, जहाँ पर आप हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को भी एक डॉट की सूरत में आसानी से देख सकते हो, जिसमें अरबों खरबों सितारे और कई सेलेक्ट ईयर्स ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब सूरज के चार्ज इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स किसी सितारे के पास मौजूद गैस के पार्टिकल्स से टकराते हैं तो रेड येलो व्हाइट कलर की लाइट को पैदा करते हैं, जिसे अरोरा कहते हैं। और हमारी जमीन का अरोरा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जबकि जुपिटर का ये ब्लू रंग में और सैटर्न का ये रेड कलर का इस तरह मौजूद होता है। क्यों दोस्तों, है ना कमाल का। और एक पल के लिए मान ले कि किसी 65 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर एक गैलेक्सी है और उस पर से एलियन इस वक्त जमीन पर देखे तो उन्हें हमारी धरती पर डायनासोर घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, उसी की वजह से ये सब कुछ होता है। क्योंकि एलियंस की तरफ हमारी धरती से जाने वाली 65 मिलियन साल पहले की लाइट अब पहुंची होगी, क्योंकि जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम पास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि जितनी तेज हमारी यूनिवर्स में लाइट ट्रेवल कर सकती है उतनी जल्दी हम किसी भी चीज को देख भी सकते हैं। इस स्पेस के अंदर दूरियां इस कदर ज्यादा है कि स्पीड ऑफ लाइट भी इन इवेंट्स को दिखाने के लिए काफी स्लो पड़ जाती है। अमेरिका में एक स्पेशल जगह है जिसका नाम है ओरफील्ड लेबोरेटरी। इसे दुनिया की सबसे खामोश यानी कि साइलेंट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है, क्योंकि ओरफील्ड लेबोरेटरी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर 99 साउंड प्रूफ है, यानी कि बाहर के 99% साउंड वेव्स इस एरिया के अंदर एंटर नहीं हो सकती। यहाँ पर आवाजों की फ्रिक्वेंसी -9.4 डेसिबल तक होती है और इंसानों को सुनने के लिए 0 डेसिबल से ऊपर की आवाज ही होनी चाहिए होती है। इसलिए जब आप इस कमरे में मौजूद हो तो आप खुद अपने कानों की बजने की आवाज, अपनी हार्ट बीट, फेफड़े, स्टमक और ब्लड को फ्लो करते हुए भी सुन सकते हो। इसलिए जब कोई आम इंसान इस कमरे के अंदर एंटर होता है तो उसके सेंसेस के अंदर काफी ज्यादा बदलाव होने लगते हैं, क्योंकि हम इंसान या फिर हमारा माइंड इस नए एनवायरनमेंट का आदि नहीं होता। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी काफी कम है और वो है सिर्फ 45 यानी कि 45 मिनट।